अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइरल पोटैटो चिप्स विद सूजी कोटिंग। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसके लिए मैंने लिया है पोटैटोस को, मैंने पील ऑफ कर लिया है, और पील ऑफ करने के बाद आप इनको इस तरह के पीसीस में काट लीजिए, ठीक है। मेरे पास छोटा पोटैटो था तो उसको मैंने तकरीबन 3 पीसीज में काट लिया है। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप इसको ज़्यादा पीसीज में भी काट सकते हैं, और आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप इनको थोड़ा मज़ीद पतला रखना चाहें, ऐसे ज़्यादा मोटा रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब आते हैं इसकी डिफरेंट कटिंग की जाने। इसके लिए आपको चाहिए 2 अदद बारबेक्यू स्टिक्स। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इनको सेट कर लिया है, जो पोटैटो पीस है उसको दरमियान में रख के, और पोटैटो स्टिक वो जो स्टिक्स हैं उनको मैंने साइड पर कर दिया है। अब आप देखिए इसकी कटिंग। पहले आपके पास जो नाइफ़ है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, और इसी नाइफ़ के साथ आप इसको बिल्कुल सीधा सीधा इसके अंदर कट्स लगाते जाएंगे। जो बारबेक्यू स्टिक्स हैं वो जो हैं वो डीप कट्स से बचाएंगी पोटैटो को, क्योंकि हमें जो कट है वो सिर्फ एक साइड पे चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट्स लगा रही हूँ। अपने हाथ को बचाइएगा अगर आपकी नाइफ़ ज़्यादा तेज़ है तो। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बार बार स्टिक्स को सीधा कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जब आप स्टिक्स को रखेंगे साथ तो आपके जो कट्स हैं वो ज़्यादा डीप नहीं लगेंगे, सिर्फ एक साइड से कट लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी साइड से पोटैटो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी साइड के कट्स की तरफ। दूसरी साइड पर जो हम कट्स लगाएंगे वो थोड़े से तिरछे लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके सामने लगा रही हूँ। इसी तरह हमने इस तरह उस साइड पे लगाए, इस साइड पे भी इसी तरह तिरछे कट्स पूरे पोटैटो पे लगा लेंगे, और साथ से पोटैटो जो बारबेक्यू स्टिक्स हैं उनको हम सीधा करते जाएंगे ताकि जो हमारा कट है वो डीप ना लगे। लीजिए जी, आपके सामने कितने मज़े के कट्स लग गए, और आपके जो पोटैटो की शेप है वो कितनी मज़े की आ गई है। सॉरी, सेम इसी तरह के कट्स हमें चाहिए तमाम पोटैटोज़ पर। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, बहुत मज़े का स्पाइरल कट है, और इसके साथ आप देखिएगा आपके जो पोटैटो के चिप्स हैं वो कितने मज़े के बनेंगे। सेम इसी मेथड के साथ अब हम कर लेते हैं अपने बाकी तमाम पोटैटोज़ की कटिंग। और इसी मेथड के साथ आप देख सकते हैं मैंने एक और पोटैटो लिया है, उसमें भी पहले मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट्स लगा रही हूँ। और अब दूसरी साइड पर मैं थोड़े से तिरछे कट्स लगाऊँगी। आपके सामने आप देख सकते हैं कितने मज़े के कट्स लगे हैं और कितने मज़े के स्पाइरल पोटैटोज़ रेडी हो गए हैं। सेम इसी मेथड के साथ अब हम बाकी तमाम पोटैटोज़ को कट कर लेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो अपने तमाम पोटैटोज़ को मैंने अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की जो शेप्स हैं वो हो गई हैं रेडी मेरे तमाम पोटैटोज़ की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने कर लिया है ऑयल गरम एक पैन में। तो अब मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन जो पोटैटो स्पाइरल पोटैटोज़ हैं आप इनको ऑयल में डालेंगे कैसे। आप 2 स्टिक्स लेंगे, आप दोनों साइड पर उन स्टिक्स को ऐड करेंगे, और पोटैटो को थोड़ा सा आप स्ट्रेच करेंगे। आप बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब आप इसी तरीके से पोटैटो को ऑयल में डालिए, और बिल्कुल हल्का सा स्ट्रेच करके इसको 10 से 12 सेकंड तक इसी तरह ऑयल में रखिए। आप ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा, वरना जो आपका पोटैटो स्पाइरल है वो टूट जाएगा, वो सारी शेप ख़राब हो जाएगी। आप इसी तरीके से बस हल्का सा स्ट्रेच करके तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक इसको ऑयल में रखेंगे, और उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज कर दीजिए। हमें यहाँ पर पोटैटो स्पाइरल को फुली कुक नहीं करना है, बिल्कुल हाफ़ कुक करना है। जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम लो पर रखा है ऑयल को गर्म करने के बाद, और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल लाइट से फ्राई करके और डिश आउट कर लिया है। सेम इसी मेथड के साथ हमने बाकी तमाम पोटैटो स्पाइरल्स को इसी तरह से हम बिल्कुल हाफ़ फ्राई कर लेंगे, और हाफ़ फ्राई करने के बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आ गया है नेक्स्ट स्टेप। मैंने लिया है हाफ कप सूजी को, और सूजी जो है वो मैंने छान ली है दोबारा से, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक हाफ टीस्पून। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी।
जो सूजी है वो आपके जो पोटैटो स्पाइरल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना देगी। और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 pinch ऐड कर रही हूँ फूड कलर येलो, जो कि इसके कलर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अगर आप फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो स्पाइसी तो नहीं होता लेकिन आपके खाने को बहुत अच्छा सा कलर दे देता है। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पाउडर में मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी और हम इसका अच्छा सा थिक सा एक बैटर बना लेंगे। जी तो बैटर हो गया है रेडी, आपके सामने है। मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आप उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो आप पानी को थोड़ा सा निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम लेंगे अपने पोटैटो स्पाइरल्स को जो हमने हाफ फ्राई करके रखे थे। आप बहुत एहतियात के साथ इसको इस बैटर में डिप करेंगे और आप इसकी एक एक लेयर के अंदर जो आपकी सूजी का जो मिक्सचर है आप उसको उसके अंदर भर देंगे। आपको जो कोटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि सूजी जो है वो एक एक लेयर के अंदर अच्छी तरह से चली जाए। और आप बहुत ध्यान से इसको पलटिएगा वरना जो आपके पोटैटो स्पाइरल्स हैं वो टूट जाएंगे और आपके जो स्पाइरल्स हैं उनकी सारी शेप ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने अच्छी तरह से तमाम कोटिंग कर ली है दोनों साइडों से और तमाम लेयर्स के अंदर मैंने जो सूजी है वो उसको अच्छी तरह से भर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा। और अब इसके अंदर मैं बहुत ध्यान के साथ जो अपने पोटैटो स्पाइरल्स हैं वो डाल रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें छींटे बहुत उड़ेंगे, तो बहुत ध्यान के साथ इसके अंदर ऐड कीजिएगा और अपने आप को जलने से ज़रूर बचाइएगा और बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है और अब मैं इसको पलट रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आ गया है और ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं कि सोच है आपकी, मतलब ये क्रैकर्स को भी मात दे जाएंगे जब आप इनको बनाएंगे। आपके बच्चे, आपके मेहमान और आप खुद भी इसको खा के बहुत खुश होंगे। तो सेम इसी मेथड के साथ जिस तरह के अभी मैंने आपको एक करके दिखाया है, हम अपने बाकी तमाम स्पाइरल्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे सूजी के बैटर में डिप करने के बाद। और आप ये याद रखिएगा कि एक एक लेयर के अंदर अच्छी तरह से सूजी का जो बैटर है वो जाना चाहिए, तभी आपको इसके स्पाइस का मज़ा आएगा। कुछ मैंने छोटे क्रैकर्स बनाए थे, कुछ बड़े मैंने बनाए हैं आपके सामने। तो अब हो गए हैं जी हमारे जो स्पाइरल पोटैटो चिप्स हैं वो रेडी आपके सामने। मैं इनको डिश आउट करती हूँ और फिर डिश आउट करके मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो मैंने कर दिया है इनको डिश आउट। आप देख सकते हैं कैसा मज़े का कलर आया है, कितना ज़बरदस्त कलर आया है और जो इनकी लेयर्स हैं, जो इनके स्पाइरल्स हैं वो देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। आपके बच्चों का वैसे ही देख के खाने को दिल चाहेगा और अभी आपका भी ज़रूर दिल चाह रहा होगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।